आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज देखते हैं क्या क्या खबरें इस वीडियो में लगी हैं, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकती हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के हैं, राज कपूर डीपीओ हैं बहराइच में, उन्होंने 9 सितंबर को एक आदेश निकाला है। इस आदेश में उन्होंने कहा है कि समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जो बहराइच जिले के हैं, वो ध्यान दें कि निदेशालय के द्वारा जनपद के अंतर्गत कार्य करने वाली आंगनबाड़ी बहने और मिनी आंगनबाड़ी बहने, साथ ही सहायिका बहने, इनकी जो शैक्षिक योग्यता है और इनकी जो जन्म तिथि है, इस विषय में सूचना चाही गई है। तो निदेशालय में आप सबको पता है कि आंगनबाड़ी बहनों की शैक्षिक योग्यता और जन्म तिथि के संबंध में सूचना चाही गई थी, और कई महीने हो चुके हैं इस काम को अभी समस्त जनपदों के द्वारा कह सकते हैं 100% पूरा नहीं कराया गया है। इतयो आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के अंतर्गत तैनात समस्त आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका बहने, इनकी सूचना संलग्न प्रारूप पर कंप्यूटराइज्ड वगैरह टाइम न्यू रोमेंस वगैरह में फॉन्ट पर संकलित करके 1 सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो आप देख रहे हैं डीपीओ जो बहराइच के हैं राज कपूर जी, उन्होंने सीडीपीओ लोगों को बहराइच में कहा है कि आंगनबाड़ी बहनों का जो जन्म तिथि है और जो उनकी शैक्षिक योग्यता है, उसको प्रारूप पर जो है, जो भी उनका प्रारूप हो, उस पर भर के जो है दीजिए, ताकि वो ऊपर निदेशालय भेजी जाए, क्योंकि निदेशालय में ये मांगा गया था। अति महत्वपूर्ण भी है, आप ऊपर लेटर में देख भी सकते हैं, और तमाम जनपदों में अभी ये नहीं हुआ है, जिसके चलते कई बार आपने देखा होगा मानदेय वाले आदेशों में बोला गया कि इसके चलते कई बहनों का मानदेय नहीं आ रहा है, तो इसकी एक मेन कारण समस्या ये भी है। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इस वाले देखो मैटर को। अनीसा खातून बहन है जालौन से, उन्होंने भेजा था। अब हम बात करने वाले हैं अगले आदेश की, सलमा भी बहन जो कि साजापुर जिले से आती हैं। तो मध्य प्रदेश के साजापुर जिले से बहन ने अपने वहां से एक लेटर भेजा, जो कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी है, और 9 सितंबर का ये भी आदेश है। तो 9 सितंबर को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार इस तरह से प्रमोद सिंह उप सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन में स्कूल शिक्षा विभाग में, उन्होंने ही ये लेटर जारी किया और कहा है कि राज्य शासन एतद द्वारा प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए नियमानुसार अवकाश घोषित करता है। तो आइए देखते हैं कैसे अवकाश के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर दशहरा का जो अवकाश है वो आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है 3 अक्टूबर 2022 से 6 अक्टूबर 2022 तक ये दशहरे का अवकाश रहेगा। विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए ये अवकाश यहां पर जारी है। तो दशहरे का अवकाश जो है मध्य प्रदेश में 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर, 3, 4, 5, 6, 4 दिन का मिलेगा भैया, मौज काट देंगे बच्चे एकदम। और देखिए दीपावली का जो अवकाश है उसकी बात हो रही है 22 अक्टूबर 2022 से 27 अक्टूबर 2022 तक। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 इतने दिन का दीपावली अवकाश विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए लिखा गया है। तो देख सकते हैं यहां पर ये कुछ इस तरीके से अवकाश हैं जो दशहरा और दीपावली के मध्य प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। वैसे हर कोई यही कहेगा कि इतने ज्यादा दिन का अवकाश क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27 इतने दिन का अवकाश कब मिलता था, किसको मिलता था दीपावली में, लेकिन अब ये मिलने लग गया है। ये देखिए नया आदेश 9 सितंबर का, इसी में ये सब चीजें हैं, और इसी में दशहरे का 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक और दीपावली का 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कब आपकी दीपावली पड़ रही है और कब क्या होने वाला है। एमपी में इसके लिए आदेश भी आ गया। तो यहां पर आप देखिए इस तरह से ये कुछ बच्चों के लिए अवकाश जारी हैं। अब हम बात करते हैं नीरजा पटेल बहन जो इटावा से आती हैं, उनके वहां इटावा में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची थी, और यहां पर आइए देखते हैं क्या आर्टिकल इनको लेकर के जो है आया है। इनका ये इटावा का कार्यक्रम जो कि आप देख रही हैं अन्न प्राशन वो करवा रही हैं बच्चों का, वहां पर बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाकर के अच्छी शिक्षा दें, इसके बारे में बहनों से कहा है, और छात्रा को प्रमाण पत्र भी देखती है, आपको जो है फोटो में दिख रही होंगी प्रतिभा शुक्ला। यहां पर आइए चलते हैं, और ये विधायक सरिता भदौरिया भी वहां है,
साथ ही देखिए आंगनबाड़ी केंद्र को साफ सुथरा रखें, बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाएं और उन्हें अच्छी शिक्षा भी दें, उन्हें संतुलित आहार भी दिया जाना चाहिए। यह बात बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कही है। अच्छी बात है, अच्छा लगता है, लेकिन क्या राज्य मंत्री जी को ये नहीं पता है या इतना पता नहीं कर पाई है या इनको पता ही बिल्कुल तरीके से नहीं है कि बच्चे जो आ रहे हैं केंद्रों पर पढ़ने के लिए दिन भर, उनको आखिर मिड डे मील के नाम पर उनको क्या दिया जाता है? क्या आपकी यूपी गवर्नमेंट, क्या आपके निदेशालय के तहत चीजें जो भी उनको पहुंचाई जा रही हैं, क्या आपने प्रावधान किए हैं उनको वहां पर खाने पीने के लिए? वहीं प्राइमरी का बच्चा आता है और वो वहां पर खाता है, वहीं आंगनबाड़ी का बच्चा उनका मुंह ताकता है। अब ऐसे में बताओ ये क्यों गलत हो रहा है? आखिर कहां ध्यान है इस विभाग में कुपोषण के जो यहां पर आंकड़ों को कम करने के लिए? ऐसे कम हो जाएंगे आंकड़े? सोचिए जरा, बच्चा भूखा रहेगा पूरा दिन तो कैसे उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा? तो इस बारे में सोचना चाहिए। आप राशन पानी दे रहे हैं वो अलग बात है, बच्चा घर से बनवा करके थोड़ी पैक करके ला रहा है, तो केंद्रों पर ही बच्चे खाते हैं और केंद्रों पर बस खाना है, यही एक मेन पहचान होती है सरकारी जो है स्कूलों की। ये करवा सकते हैं, खाने के लिए बच्चे वहां पर ज्यादातर दौड़ते हैं, बाकी ज्यादा नहीं। पढ़ने वाले प्राइवेट भाग रहे हैं क्योंकि सरकारी वाले स्कूलों में अपने जो सरकारी अध्यापक हैं वो खुद ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। अब सोचो वो क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनको पता है कि वो कितनी मेहनत वहां पर करवा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सब ढोल में पोल चल रहा है। बच्चों का कुपोषण तो मिटा रहे हैं लेकिन दोपहर का खाना उनके हाथ पर नहीं रख रहे हैं। अब देखिए पोषण माह में विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र 8 बजे से 12 बजे तक खोले जाएं। उन्होंने समय समय पर बच्चों के वजन कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है, ठीक उसी प्रकार आप सब भी बच्चियों को वैसे ही ख्याल रखें। उनको खेल खेल में गिनती, रंगों और माता पिता इन सब का नाम आदि का ज्ञान करवाएं। कहा कि पोषण माह को हम जन आंदोलन के रूप में मनाते हैं। उन्होंने CDPO को निर्देश दिए कि समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण भी कर लिया करें। सदर विधायक सरिता भदौरिया, इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे स्वस्थ हों, कुपोषण से मुक्त हों, तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है, बच्चों के नियमित टीके लगवाए जा रहे हैं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी कुपोषित मुक्त हो रही है। और राज्य मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं से उनके कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिससे सही उत्तर बताने पर रसिमपाल, रेखा यादव, पूनम शुक्ला इनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अच्छा लगता है सम्मान पाना, लेकिन क्या इन बहनों को इनकी मेहनत का पैसा हर समय आपकी सरकार दे पा रही है? या फिर जो वादे किए थे क्या उन वादों को आपकी सरकार ने पूरा किया कि जब जो है हम इतना इतना मानदेय करेंगे, सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी करेंगे, या जो मानदेय बढ़ोतरियां की भी गई हैं 2018-19 के टाइम पर से, क्या वो बहनों के हाथों पर अभी आ रही हैं? 2022 चल रहा है, क्या उन बहनों का प्रमोशन हुआ जिन्होंने 2017 में आस लगा करके जो है लगा रखी है कि हमारा प्रमोशन हो जाएगा? प्रक्रियाधीन मामला चल रहा, क्या कुछ हुआ? या भर्ती मामले में पिछली बार भी भर्तियां निकाली गई, क्या उनको नौकरी मिली? तो ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल हैं। मोबाइल में रिचार्ज का पैसा क्या वो नियमित आ रहा? ऐसे बहुत सारे हैं, मैं एक बताऊं, दो बताऊं, कितने बताऊं? जिन बहनों को फोन मिले हैं वो जो खराब हो चुके हैं, जो दे दिए गए, क्या वो बदलने के लिए वो जो है यहाँ पर विभाग कभी सोच रहा भी है या नहीं? या बहनें अपनी जेब से खर्चा करें, क्या इस पर सरकार कुछ कर रही? या मानदेय उनका समय पर नहीं आ रहा उस पर कर रही? 1500 रुपया जो लगाया गया था PLI अतिरिक्त मानदेय स्वरूप, क्या वो अभी तक सक्सेस हुआ? क्योंकि वो 1-2 तारीख में लग गया और आज जो है यहाँ पर 11 तारीख हो चुकी, 8-8, 10-10 दिन से ज्यादा हो जाता है, पैसे सक्सेस नहीं होते, क्या ये आपका ये डिजिटल इंडिया है? तो इन तमाम सवालों पर क्या राज्य मंत्री जी कभी ध्यान दे पाती है, इनकी सरकार दे पाती है? साफ सुथरा देखो हमारा कहना है, जो सत्ता में है उसी से उम्मीदें हैं और उसी से मांग की जाती है। विपक्ष का क्या है, वो तो कभी बरसाती में ढक की तरह आए और फिर चले गए, जब चुनाव आएगा तब सब दिखाई देंगे। वरना इन समस्याओं को लेकर के विपक्ष का कर्तव्य होता है कि वो इसके लिए लड़े, सत्ता में नहीं फिर भी लड़े, लेकिन वो क्यों लड़ेंगे? वो कहते हैं जब हमारा टाइम आएगा तो वो भी नहीं लड़ेंगे, तो वो भी चुपचाप बैठेंगे, तो इसीलिए हम भी बैठे हैं, जब चुनाव आएगा तो फिर बस ऐसे जनता को पढ़ाते रहेंगे, ये हुआ वो हुआ, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो किया, बस ऐसे करके सब ऐसे ही चल रहा है। और परेशान कौन है? जनता। इसीलिए कह रहे हैं कि अपनी सूझबूझ दिखाओ और अपने जो है हक के लिए लड़ो और उसकी आवाज भी उठाओ, कोई और उठाने नहीं आएगा जब तक आप नहीं लड़ेंगे अपने लिए। राज्य मंत्री ने यहां अन्नप्राशन करवा दिया, तो क्या समझ लीजिएगा बच्चों का
सब कुछ भला हो गया। सोचिए ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट दे क्या रही है, उस पर भी फोकस करो भाई। ये मिड डे मील बहुत जरूरी है दोपहर का खाना बच्चों के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक हो गया, कोविड वोविड सब चला गया एक तरह से, और यानी सब व्यवस्थाएं बहाल हैं, पढ़ाई हो रही है, प्राथमिक विद्यालय में खाना बन रहा है, तो आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए फिर क्यों नहीं बन सकता, उनके लिए फिर व्यवस्था क्यों बंद कर दी गई, तमाम राज्यों में चल रही स्टार्ट है और फिर भी यहां पर क्यों नहीं। तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है भगवान जाने। धीरे धीरे घट रही महंगाई, अब आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन इन पर रहेगा जोर, आपकी वित्त मंत्री ये कह रही हैं। सीतारमण जी बताइए महंगाई कहां घट रही है, इनके हिसाब धीरे धीरे महंगाई घट रही है। अरे महंगाई बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही, बताओ। जनता महंगाई के वजह से परेशान है। क्या जो तेल आप 80-90 रुपया लीटर देख रहे थे सरसों का, आज वो क्या रेट में है पता कर लो, घट रही कि बढ़ रही। अरे ये चीजें सोचिए, मैं नहीं कहता, देखो सब तरीके से पहलू अलग अलग होते हैं। किसान की चीज है तो उनको लगेगा अरे महंगा हो जाए तो उनको फायदा, लेकिन उनको बेचारों को कितना होता, सरसों उगाते हैं तेल थोड़ी उगाते हैं किसान, सरसों तो उनका सस्ते खरीद लिया गया बस हो गया काम, बाकी वो अपना जो पैसा कमाने वाले हैं बिजनेसमैन वो अपना तेल निकाल निकाल के बेच रहे हैं। ऐसे आम जनता है, मेहनत उससे कराई जा रही, उसी का तेल निकाल निकाल करके उसका पूरा समझ लिया फायदा ले लिया गया। तेल निकालने का तात्पर्य यही हो गया यहां पर कि उसकी मेहनत को आप निचोड़ लीजिए इस तरीके से कि कोल्हू के बैल की तरह बस काम ले लो उससे, ये यहां पर है कहने का तात्पर्य, बाकी आप समझदार हैं। सीतारमण ने कहा महंगाई कम होकर उस सीमा पर आ गई है जहां से उसे संभालना मुश्किल नहीं है, यानी संभाल सकती है, ऐसा इनका बस बयान है। अब ऐसी चीजें जो पार्टी जिससे जुड़ा बस उसी के गुड़गारा, इस तरह से चीजें चलती चली आ रही है। बताइए क्या होगा देश का, महंगाई न जाने कितनी बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, रोजगार मिल नहीं रहे हैं। अब रोजगार के मामले में आप एक विभाग को ही उठा लो अपने विभाग का, तो आपको पता ही है क्या आलम चल रहा है, कितनी भर्तियां मिली, कितनों को हटाया गया, क्या सब कुछ है, अब कैसे रोजगार आप कह सकते हैं। तमाम चीजें जो सरकारी होनी चाहिए थी जिनमें पक्का रोजगार मिलना चाहिए तो उसमें हटा करके वो कच्चा कर रहे हैं, अभी 4-4 साल के नौकरियां दे रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे, क्या फ्यूचर है इन नौकरियों को लेकर के। अगर यही मन हट जाएगा तो फिर इंसान पढ़ेगा क्यों। अब जिसके घर में बहुत ज्यादा पैसा माँ बाप ने कमाया है तो कहेंगे बेटा तुमको कमाने की जरूरत तो है नहीं, तुम ज्ञान हासिल करो, तुम भैया जो है ज्ञान बस बरगद नीचे बैठ जाओ, बस पढ़ते ही रहो, बस पढ़ते ही रहो, तो उनके लिए तो अलग बात है, लेकिन जिनको अपने घर के खर्चे चलाने हैं, परिवार की स्थिति देखनी है, वो कहां जाएंगे, वो क्या करेंगे, क्योंकि उनकी तो उम्मीदें ही आप खत्म कर दोगे। आप तो जो है 2-4 साल की नौकरी लेकर के आओगे, बाकी टाइम तो उनका बर्बाद, पूरी जिंदगी पढ़े मेहनत करें 4 साल नौकरी करें, तो क्या ये चीजें सही हैं। इससे लोगों के मन में एक जो नेगेटिव थॉट जाएंगे वो फिर पढ़ने बंद करेंगे, कहेंगे इससे अच्छा बिजनेस शुरू करो जो हमको 4 साल बाद करना ही है नौकरी के बाद, और 4 साल की नौकरी के लिए फिर हम जो यहाँ पर 24 साल क्यों अपने बर्बाद करें, ये भी तो वो कहेंगे, सोचेंगे 24 साल में तो हम उतना कमाएंगे जितना 4 साल में हम जो है नहीं कमा पाएंगे, गवर्नमेंट दे पाएगी, तो सोचिए इन चीजों को। तो इसीलिए जो चीजें देखो, एक सरकारी नौकरी की अच्छी छवि क्यों थी, क्योंकि वहां पर लाइफ टाइम सुविधा थी, पक्की गारंटी थी नौकरी की स्थायी रूप से, लेकिन अगर वो नहीं तो फिर कुछ नहीं, ये समझ लेना, तो इसमें बहुत बड़ा एक फर्क आएगा। तो इससे देखो मानते हैं कि बिजनेस की तरफ बढ़ावा मिलेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हर कोई के अपना अपना एक बिजनेस ही खोलकर पकौड़े की दुकान ही खोलेगा तो कौन किसका लेकर के खाएगा भाई। दुकान धंधे तब चलते हैं जब उसको खरीदेंगे, अब हर कोई जब यही करेगा, जब कुछ होगा ही नहीं ऑप्शन, तो फिर सब अपने अपनी दुकान पर अपने जो अपने लिए अपना कोई बाल काट लेगा, अपने लिए जो अपना पकौड़ा बनाएगा, अपने लिए जो अपनी मेडिसिन वाली दवा अपना जो है यानी मेडिकल खोल लेगा, उसके लिए अपने घर के लिए दवा लेगा, तो सब अपने अपना करते रहेंगे क्या पूरी जिंदगी भर। सोचिए जरा इस मुद्दे पर। अब देखिए इनका क्या कहना, और ये सीतारमण जी इनको लगता है कि महंगाई घट रही है बताइए, और ये कह रहे हैं कि रोजगार सृजन पर सरकार का जोर रहेगा। अरे 14 से गवर्नमेंट है बीजेपी की, अब सोचो 14 से कितने लोगों को कहां कितनी वैकेंसियों में रोजगार मिला, कौन सन में कौन सी भर्ती निकली थी, वो कौन से सन में जाकर के पूरी हुई, और कौन सी अभी भर्तियां हैं जो 14 के बाद ठप हो गई और जो अभी तक नहीं निकली, इन मुद्दों पर भी तो डिस्कस होनी चाहिए, और कितने सालों में रोजगार के लिए कहा, कितने साल व्यतीत कर दिए, और अब इनका जो पूरा नौकरी पेशे का जो पूरा प्रोफार्मा बना के रखे हैं, जैसे सेना में 4 साल भर्ती कर लो, क्या 4 साल में आप 6 महीने की ट्रेनिंग में आप जो है सैनिक तैयार कर रहे हो। तमाम लोग मुद्दे जो इन मुद्दों पर उठा रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, चश्मा चढ़ा है तो भैया चढ़ा रहेगा, सबको अच्छे दिखेगा, तो करते रहो जो करना है, वैसे भी एक आदमी के चिल्लाने से क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें हैं यहां पर जिनको आपको जो सोचना चाहिए। बैंक और कारोबारी निकाय डॉलर के बजाय रुपए में सीमा पार व्यापार को दें बढ़ावा, बताओ ये सब इनके स्तर से सब चीजें चल रही हैं। डिजिटल क्रांति ने अमेरिका के लिए पैदा किए मौके, तो भैया डिजिटल उनकी तरह बनो तो तब तो बात है ना, उनकी तरह डिजिटल कहां बन रहे हो, यहां जनता का पैसा
कहीं यहां फूका जा रहा, कभी वहां फूका जा रहा, ऐसे कामों में लगाया जा रहा जहां पर कोई उसका तुक ही नहीं बनता, जिससे फ्यूचर के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। अब वो अपना लगा रहे टेक्नोलॉजी पर, तुम लगा रहे हो किसी और मुद्दों पर, घिसे पीठे वही जो है धर्म आधारित चीजों पर लगाते चले आ रहे हो। आज इन पर खर्च, कभी उन पर खर्च, कभी जो है यहां पर उनको फ्री दे दिया, कभी इनका बड़े बड़े का जो लोन माफ कर दे, यही करते रहो। फ्री में ये बांटो, फ्री में वो बांटो, पिस कौन रहा है जो टैक्स भर रहा है, या फिर जो है आम जन वही मर रहे हैं जो टैक्स भर रहे हैं, और उसके बाद भी जो देश में जो है यहां पर कोई विकास नहीं, कोई रोजगार नहीं। अब मलाई सब मिलकर के चाट रहे हैं, इस योजना के थ्रू निकाल दिया, इसमें फ्री करके इतना निकाल दिया, उनका ये कर दिया, बस ऐसे चलेगा, कहां से जो है यहां पर विकास हो जाएगा? सोचिए इन मुद्दों को लेकर के, कहां अमेरिका है, कहां हम लोग हैं। हर एक मामले में अगर आप जो है देखें तो कई कई गुना ज्यादा फर्क है उसमें और हम में। अब फिर भी विश्वगुरु हम लोग हैं ही, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, हम लोग विश्वगुरु भी हैं, यानी सभी जो है देशों को हम ही शिक्षा दे रहे हैं, हम ही उनके जो गुरु हैं, बाकी सब हमारे चेला हैं, यही तो हुआ विश्वगुरु। और क्या विश्वगुरु आप, यानी सभी को आप एक नई दिशा दिखा रहे हो, जो है तो ये सोचिए। और हम किस लेवल पर हैं, आप हर एक तरह की सूचियों को उठा करके देख लो, क्या है, कैसा है, कितना हम कर्जा लिए बैठे हैं, क्या किए बैठे हैं, सब पता चल जाएगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि अखबारों में, अब इसीलिए अखबार कोई नहीं पढ़ता, ये समझ लेना। जो जिनका माइंड दूसरे हिसाब से सेट हो गया, बस हो गया, वो जो समझ रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो अखबार नहीं पढ़ते। उनको पता है अखबार में कोई ढंग का मिलेगा ही नहीं, वही मिलेगा जो अधिकारी नेता जो सत्ता में वही चाहेंगे, उन्हीं के आर्टिकल उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं की फोटो देखो, बस यही चलता रहेगा, बाकी कुछ नहीं। और विपक्ष, उसका भी कुछ रोल नहीं है, क्योंकि विपक्ष कुछ चाहता ही नहीं है कि कुछ हो अच्छा, वो कुछ करते ही नहीं है। क्या विपक्ष को नहीं पता होता गवर्नमेंट क्या सही क्या गलत करे? लेकिन वो खुद सामने खुद नहीं आएंगे, वो ऐसे बस पोस्ट डाल देंगे, आ जाइए पोस्ट के माध्यम से, बाकी लोग उसको शेयर करो, ये करो, जनता फिर लड़े करे सवाल करे, खुद कुछ नहीं करेंगे। अरे खुद भी तो उसमें जो है इन्वॉल्व हो, खुद भी तो उसके लिए आगे बढ़ो, लड़ो। अरे गांधी जी ने ये किया, वो किया, ये पैदल मार्च निकाला, वो निकाला, अरे कुछ तो करो। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आजादी या क्रांति ऐसे ही नहीं आती, कोई किसी को अगुवाई भी उसकी करनी पड़ती है, हवा नहीं है कि ऐसे बस घुमा दी और चल गई, ऐसे नहीं, आपको भी अगुवाई करनी होगी अपने हाथों में जिम्मेदारी लेकर। वो कोई नहीं विपक्ष करना चाहता, इसीलिए विपक्ष की भी जो है कोई यहां पर आज तक जो है कोई भी वो नहीं है, यानी स्थिति ढंग की नहीं है कि वो आगे फ्यूचर में भी कुछ कर पाए, और इसलिए कोई आसार दूर दूर तक नहीं है कि कोई अन्य पार्टी आकर के परचम अपना देश में लहराएगी। अभी न जाने कितनी जो है यहाँ पर पंचवर्षियां ये बीजेपी की गवर्नमेंट ही रहेगी, और आपको इसे ही जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा, चाहो खुशी से देखो चाहे नाराज होके देखो, लेकिन हमारा कर्तव्य है पार्टी कोई भी रहे, चाहे ये रहे चाहे वो रहे, आप जागो, आप पढ़ो लिखो, और आप जो है यहां पर सवाल करो, और आप जो है देश में विकास ला सकते हो। आपके अंदर अगर क्रांति लाने की क्षमता होगी और वो शिक्षा से आएगी, वो नहीं तो कुछ नहीं, ये समझना, चाहे ये पार्टी आए चाहे वो पार्टी आए, कर कोई कुछ ढंग का नहीं देगा, ये समझ लेना। टाइम बहुत लंबा लगेगा, 70 सालों में उन्होंने क्या किया, और बाकी 70 साल भाई इनके भी देखोगे आप, क्योंकि 70 साल से पहले लगता ही नहीं कि जाएंगे, इस तरह से सब सेट ही हो रहा है, उनकी नीतियां ही अलग हैं। तो इस तरीके से अब इनका भाई विकास देख लेना, जब कुछ ना मिले तो फिर जो है अपना किसी तो तक कोई तीसरा मुद्दा खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे चीजें बस चलती रहेंगी, और आम जनता बस ऐसे ही सब आगे बढ़ती रहेगी। फिलहाल के लिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।